Hi everyone, welcome back to Innoscripts. So, let's solve today's Lead code Daily Challenge, which is find polygon with the largest parameter. So, you are given an array of positive integers, nums, of length n. A polygon is a closed plane figure that has at least three sides. The longest side of the polygon is smaller than the sum of its other sides. Conversely, if you have k, where k is greater than or equal to three positive real numbers a1, a2, till ak. Where a1 is smaller than equals to a2, and so on, and a1 plus a 2 plus a3 up to aK minus 1 is greater than aK, then there always exists a polygon with k sides whose lengths are a1, a 2, a3 up to aK. The parameters of a polygon is a sum of lengths of its site. Return the largest possible parameter of a polygon whose sides can be formed from nums or minus 1, right? If it is not possible to create a polygon. तो अगर पॉलीगन पॉसिबल है तो हमें लार्जेस्ट पॉसिबल पैरामीटर रिटर्न करना है अदरवाइज अगर पॉसिबल नहीं है तो इन दैट केस वी वांट टू रिटर्न माइनस वन राइट सो बिफोर मूविंग टू द सॉल्यूशन गाइस इफ यू हैवेन सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इट विल गिव अस मोटिवेशन टू क्रिएट मोर सच वीडियो सो या लेट्स मूव टू द दोल्यूशन नाउ ओके तो क्वेश्चन क्या कहता है कि यू विल बी गिवन अ एरे नम्स राइट जिसमें आपको द लेंथ ऑफ साइड ऑफ पॉलिगन गिवेन हो राइट हमें यह भी बताया गया है कि पॉलीगन क्या है पॉलीगन एक ऐसी क्लोज्ड फिगर है राइट क्लोज प्लेन फिगर है जिसमें एटलीस्ट थ्री साइड्स होंगी राइट सो इट कैन बी अ ट्राइंगल इट कैन बी अ रेक्टेंगल इट कैन बी अ स्क्वायर इट कैन बी अ पेंटागन एंड सो ऑन राइट इट शुड बी क्लोज सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि पॉलीगन बनने के लिए जो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड है आउट ऑफ ऑल दी साइड जो भी लॉन्गेस्ट साइड है अगर वो स्मॉलर है देन द सम ऑफ ऑल अदर साइड्स तभी हमारा पॉलीगन बनेगा राइट right? तो मैंने यहाँ पे इस एरे से निकाल के कुछ साइड्स लिखी हैं सो लेट्स सी वेदर उनसे पॉलीगन पॉसिबल है या नहीं राइट सो वन दो स्मॉलर साइड्स कौन सी हैं एंड एंड जो लार्जेस्ट साइड है वो ट्वेल्व है क्या ट्वेल्व हमारा स्मॉलर देन वन प्लस वन है नहीं है दैट मीन इससे पॉलीगन बनना पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट की बात करते हैं टू फाइव एंड थ्री यहाँ पे जो लार्जेस्ट साइड है वो है फाइव क्या फाइव इज लेसर देन टू प्लस थ्री नहीं बिकॉज इट शुड स्ट्रिक्टली लेसर, राइट तो इससे भी पॉलीगन पॉसिबल नहीं है नाउ लेट्स लुक एट दिस थर्ड वन तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट साइड है वो है फाइव क्या फाइव लेसर है फ्रॉम वन प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री सो थ्री टू फाइव सिक्स सेवन बिल्कुल पॉसिबल है तो so, इससे हमारा पॉसिबल है क्या इस वाले से पॉसिबल है यहाँ पे जो लार्जेस्ट है वो फिफ्टी है क्या फिफ्टी इज स्मॉलर देन समल दी साइड नो क्लियरली नो राइट तो ईस्ट भी पॉलीगन पॉसिबल नहीं है राइट सो आई होप हमें समझ आ गया है कि पॉलीगन अगर हमारे पास नंबर ऑफ साइट गिवन है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वेदर उन गिवन साइट की हेल्प से हम पॉलीगन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं सो so, हमें क्या करना है हमें क्वेश्चन में लार्जेस्ट पैरामीटर ऑफ द पॉलीगन रिटर्न करना है सो दैट्स आर टास्क राइट सो आई होप द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर टू एवरी वन सो नाउ लेट सी हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को

एंड जो सम है ए वन से लेके ए के माइनस वन तक अगर वो ग्रेटर है ए के से देन हमेशा एक पॉलीगन एग्जिस्ट करेगा विथ के साइड्स वेयर लेंस आर दिस राइट तो हमेशा पॉलीगन एग्जिस्ट करेगा अगर हमारे पास ये सिनेरियोस बन रहे हैं राइट

कि हमारा अगर हमें साइट्स का किसी तरह हम साइट्स को अरेंज कर लें एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर और हमारे पास अगर ये बन जाए उस ऑर्डर के साथ साथ सो दैट मीन्स कि हम पॉलीगन बना पाएंगे राइट right? एंड अगर हम पॉलीगन बना पाएंगे तो हम लार्जेस्ट पैरामीटर रिटर्न भी कर पाएंगे सो लेट्स मूव टू द सोल्यूशन नाउ सो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हमें अगर नम सेरे गिवेन है तो वी वॉन्ट टू अरेंज डेम इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर राइट और वो ऑर्डर क्या होना चाहिए कि जो साइड ए वन है इट शुड बी लेसर टू ए टू इट भी थ्री एंड सो ऑन राइट तो अगर मैं चाहूँ, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगी सॉर्ट कर लूंगी तो पहला स्टेप मैंने क्या किया कि राइट right? तो वन कॉमा वन कॉमा टू कॉमा फाइव कॉमा बिफोर फाइव वी हैव थ्री देन वी हैव फाइव देन वी इज कि हमारे पास अब ऑर्डर आ गया है ना नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि हमें ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए के अप टू ए के माइनस वन तक हमें जाना है और हमें चेक करना है कि क्या ये जो सम है ये ग्रेटर है ए के से राइट right? और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे साइड्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री होने चाहिए दैट मीन्स कि ये तीनों मिलके एक पॉलीगन बना सकते हैं राइट right? ये तीनों मिलके एक पॉलीगन बना सकते हैं लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि इन दो स्मॉलर साइड्स का सम ग्रेटर होना चाहिए थ्री से तो एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या है ऐसा तो मैं क्या कर रही हूं मैं एक प्रीवियस सम नाम का एक वेरिएबल ले रही हूं राइट जो कि हमारा साइड्स का सम स्टोर करके रखेगा और एक आंसर मैं मेंटेन कर रही हूँ राइट तो प्रीवियस सम इनिशियली जीरो होगा और आंसर माइनस वन होगा बिकॉज ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि हम पॉलीगन बना ही ना पाए तो उस केस में हम आंसर रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली विच इज माइनस वन राइट सो लेट्स कम टू दिस वेरी फर्स्ट साइड विच इज वन तो हमने क्या किया हमने वन में अपने प्रीवियस सम में वन को ऐड करा लिया अभी भी हमारा ये अकेली साइड पॉलीगन नहीं बना सकती है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन तो ये क्या आया दोबारा से वन आया मैंने इसको टू कर दिया राइट और हम आगे बढ़ गए क्योंकि दो साइड्स भी अकेला पॉलीगन नहीं बना सकते अब जब हम थर्ड साइड पे आए जब हम थर्ड साइड के पास आए तो हमारे पास प्रीवियस दो साइड्स का सम ऑलरेडी है हमारे पास प्रीवियस दो साइड्स का सम ऑलरेडी है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम ये वाली कंडीशन चेक करा सकते हैं कि के की वैल्यू क्या है थ्री है क्या ए वन प्लस ए टू ग्रेटर देन ए थ्री है अगर है तो दैट मीन्स पॉलीगन बनना पॉसिबल है राइट तो चेक कराते हैं कि क्या टू विच इज वन प्लस वन इज ग्रेटर देन टू है नहीं है दैट मीन्स कि इन तीनों साइड से तो पॉलीगन नहीं बना पाएंगे हम राइट इन तीनों साइड से तो हम पॉलीगन नहीं बना पाएंगे तो हमारा आंसर अभी भी क्या रहेगा माइनस वन ही रहेगा और हम क्या करेंगे हम यहां पे इसको फोर कर देंगे बिल्कुल इसको भी ऐड कर दिया अब हम आ गए हैं थ्री के पास अब हम आ गए हैं थ्री के पास तो हमने क्या किया कि हमने बोला कि अब हमारे पास चार साइड्स हैं सो लेट्स ट्राई टू सी क्या ये चारो साइड्स मिलके कुछ बना पाएंगे तो हम वो कैसे चेक करेंगे उसके लिए हमारे जो लार्जेस्ट साइड है वो थ्री है राइट इट शुड बी लेसर देन वन प्लस वन प्लस टू राइट तो जो कि फोर है जो कि हमारे पास ऑलरेडी पहले से प्रीवियस सम स्टोर है तो अगर थ्री इज स्मॉलर देन फोर है दैट मीन्स कि बिल्कुल पॉसिबल है तो उस केस में हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे किससे हमारा आंसर अपडेट हो जाएगा इस इस इन पैरामीटर क्या है समोफॉल साइड तो हम इन चारों को ऐड कर देंगे तो फोर प्लस थ्री हमारा हो जाएगा सेवन तो हमने आंसर को अपडेट कर दिया सेवन से एंड हम प्रीवियस सम को भी सेवन कर देंगे अब हमने प्रीवियस सम को भी सेवन बना दिया क्यों क्योंकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि हमें कोई लार्जेस्ट पॉली मतलब कोई बड़ा पॉलीगन मिल जाए और हम अपने प्रीवियस सम को अपडेट कर दें राइट right? तो अभी तक हमने क्या किया हमने इन सबको मिला के एक पॉलीगन बना लिया नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट साइड विच इज फाइव ठीक है तो अब हम जब फाइव पे आए हम जब फाइव पे आए तो हमने चेक किया कि क्या जो प्रीवियस साइड्स हैं अब ये पॉलीगन की साइड्स होंगी क्या ये जो चार साइड्स हैं जिनका सम स्टोर है प्रीवियस में क्या सम इज लेसर देन क्या सम इज ग्रेटर देन दिस है क्या लार्जेस्ट साइड हमारी छोटी है प्रीवियस सम से कंडीशन हो गई ट्रू तो हमने क्या किया हमने इसको अपडेट कर दिया 7 5 से व्हिच इज 12 व्हिच इज 12 राइट right? और इसको भी अपडेट कर दूं तो तो ये 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 भी हो गया हमारा। अब हम आएं नेक्स्ट पे, राइट? हम पे, पे। आ गए हमने चेक कराया कि क्या क्या जो जो है, है इस पूरे को बनाने के लिए जो है, क्या ये लेसर देन प्रीवियस नहीं है राइट तो दैट कि ये वाला पॉलीगन बनना पॉसिबल नहीं है ये वाला पॉलीगन बनना पॉसिबल नहीं है नो तो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन विच इज फिफ्टी ओके बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट वन हम इसमें ऐड कराएंगे तो ये बन जाएगा 24 फोर राइट और आंसर को हम अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पॉसिबल नहीं था उससे बनना अब हम आ गए फाइनली इस पे तो हमारी जो लार्जेस्ट साइड है क्या वो 50 इज लेसर देन 24 है नहीं है दैट मीन्स कि ये वाला पॉलीगन भी पॉसिबल नहीं है एंड फाइनली जब हम सारी साइड्स को प्रोसेस कर चुके होंगे हम बाहर आ जाएंगे और अपना आंसर रिटर्न कर देंगे विच इज ट्वेल्व राइट right? तो हमने क्या किया हमने पहले एरे को सॉर्ट कर लिया क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी जो सारी साइड की जो लेंथ है वो सब अरेंज हो जाए किसमें एक सॉर्टेड ऑर्डर में राइट right? और उसके बाद हमें ये वाली कंडीशन चेक करानी थी कि क्या जो स्मॉलर साइड्स हैं उनका सम ग्रेटर है हमारी ए के से अगर ग्रेटर है ओके तो okay, हम हम पॉलीगन बना सकते हैं और हम अपने आंसर को अपडेट कर सकते हैं अगर नहीं पॉसिबल है तो हम अपने आंसर को अपडेट नहीं करेंगे वो माइनस वन का माइनस वन ही रहेगा सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड कि हमने कैसे क्वेश्चन से सॉल्यूशन बनाने का ट्राई किया नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन कोड इट ओके तो हमारा जो कोड कह रहा है वो क्या कह रहा है कि इट इज एक्सपेक्टिंग लॉन्ग एज अ रिटर्न वैल्यू तो हम एक आंसर वेरिएबल ले, ले लेंगे इज लॉन्ग क्योंकि पे हम सम की बात कर रहे हैं राइट right? तो हम एक आंसर वेरिएबल ले, ले लेंगे लॉन्ग वेरिए माइनस वन और एक चीज और हम ले, ले लेंगे इज प्रीवियस सम जिसको हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया राइट right? अब इसके बाद हमें क्या करना है हमें अपने एरे को सॉर्ट करना है राइट right? तो एरे को सॉर्ट कर दो तो एरे इज डॉट सॉर्ट हमने क्या कर दिया सॉर्ट कर दिया इस नम से एरे को उसके बाद हम एक एक नंबर को जाके इट्रेट करेंगे और क्या करेंगे हम अपना देखेंगे कि सम हमारा ग्रेटर है या नहीं राइट सो फॉर सो फॉर हर एक फॉर ईच नंबर इन नम्स हम क्या चेक करा रहे हैं कि क्या हमारा जो प्रीवियस सम है क्या वो प्रीवियस सम जो मतलब स्मॉलर साइड्स का सम है क्या वो ग्रेटर है हमारे करंट वैल्यू से अगर ऐसा है तो हम अपने आंसर को अपडेट करा देंगे प्रीवियस सम प्लस सम से प्रीवियस सम प्लस नम से राइट एंड फाइनली हम क्या करेंगे

राइट नाउ लेट्स ट्राई टू डिस्कस द टाइम एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने एरे को सॉर्ट करने में टाइम लिया होगा n log n टाइम राइट एंड हमने इस पूरे एरे को ट्रेवर्स करने में टाइम लिया होगा ओ ऑफ एन टाइम राइट तो जो इन टोटल हमारा जो टाइम हुआ वो क्या हो गया वो एन लॉग एन टाइम ही होगा राइट right? अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करेगी कि हमारा जो सॉर्ट फंक्शन है राइट right? वो इंटरनली कौन सी सॉर्टिंग एंड का यूज करके हमारे एरे को सॉर्ट करता है इन जावा हमारा ये लॉग इन टाइम लेता है यू कैन चेक आउट योर प्रीफर्ड लैंग्वेज कि आपके जो भी प्रीफर्ड लैंग्वेज है उसमें आपका जो सॉर्ट फंक्शन है वो इंटरनली कौन सी सॉर्टिंग एंड का यूज करता है राइट सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू